वेलकम टू लेट्स डिस्कवर इट। दिस इज आर्या सिंह एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ मेजर टॉपिक ऑफ क्लास 8th जियोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज। चैप्टर 1 रिसोर्सेज में टू टाइप्स के रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन था, मैन मेड रिसोर्सेज का, ह्यूमन मेड रिसोर्स जो था वो क्लियर कर लिया है उसका डेफिनेशन। लेकिन ह्यूमन मेड रिसोर्स में जो ह्यूमन रिसोर्स कंजर्वेशन है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये दो चीज़ बचा हुआ है आज भी, तो उस चीज़ को आज हम करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, व्हाट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? देखिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि उसको मैंने रिविजन भी करवाया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। सो ह्यूमन रिसोर्स रिफर टू द स्किल्स ऑफ द ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सिंपली रिफर करता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स हम कहते हैं किसको, यानी ह्यूमन रिसोर्स हमें बतलाता है कि ह्यूमन का स्किल क्या है, यानी ह्यूमन की बुद्धि क्या है, ह्यूमन का जो स्किल होता है ना, यानी उसकी जो बुद्धि होती है, उसकी जो कला होती है, उसके हेल्प से वो ट्रांसफर करता है कोई भी मटेरियल के फिजिकल प्रोडक्ट को और बनाता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ओके, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार और रिपीट करी हूँ। ह्यूमन रिसोर्स रिफर टू द ह्यूमन रिसोर्स रिफर करता है ह्यूमन के स्किल्स से, जिस स्किल्स के हेल्प से ह्यूमन ट्रांसफर करता है फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बनाता है, यानी ये जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना ये हो गया हमारा एक न्यू रिसोर्स। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। इस चीज को बनाने में आप लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स भी तो बोल सकते हैं ना, या बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाए इसे ह्यूमन रिसोर्स का यूज हुआ, कुछ लेबर यूज हुए, किन्होंने मेंटली बहुत ज्यादा यूज किया तो उनका यूज होता है। ओके ओके, देन तो एक बात और सोचते हैं हम इस पर, अगर हम देखिए जो एसएसटी वो थिंकिंग का चीज है, थिंक करोगे रिलेट करोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है कोई चीज। तो ह्यूमन रिसोर्स जो सिंपली है ना, वो स्किल है ह्यूमन का जो उसको एक न्यू वैल्यूएबल प्रोडक्ट यानी रिसोर्स बनाने में हेल्प करता है। इसमें मेंटली भी चीजें इन्वॉल्व हुई, फिजिकली यानी हाथों से आपने न्यू रिसोर्स बनाया वो भी, तो मेंटली और फिजिकली दोनों वर्क यूज हुआ है, इसलिए दोनों सेक्टर में हम इसे ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। ओके, चलिए आते हैं व्हाई ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्स तो है लेकिन व्हाई ह्यूमन आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स, हम ह्यूमन को रिसोर्स के कंसिडर्ड कहते हैं। आप बोलोगे ये कैसा क्वेश्चन है, रिसोर्स की डेफिनेशन सीखी थी कि एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड आर नोन एज रिसोर्सेज। ह्यूमन नीड नहीं, नीड बोल सकते हैं, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि तो ह्यूमन किस चीज को सेटिस्फाई करता है, आपको कोई चीज की नीड है, आपको ह्यूमन ने हेल्प किया, एक ये हो सकता है। अगर आपने फैक्ट्री खोली तो आप अकेले तो ड्राइव कर नहीं पाओगे, अलग मैनेजर होगा, उसके लिए अलग लेबर होंगे और अलग कंपार्टमेंट के लिए अलग अलग होगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए एक अलग कमेटी आएगी, तो ऑल थिंग्स शुड बी सेपरेटेड। तो इसमें अलग अलग, कोई मेंटली काम कर रहा है, कोई फिजिकली काम कर रहा है, कोई बैठ के काम कर रहा है, तो हर एक सेक्टर में काम हो रहा है ना, इसलिए सारे सेक्टर्स के काम हमारे ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। चलिए, लेकिन ह्यूमन को हम रिसोर्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि ह्यूमन कैन, व्हाई ह्यूमन आर कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज, ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाएगा। ह्यूमन कैन यूज द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज स्किल, सो ह्यूमन आर कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज। जो ह्यूमन होता है ना वो नेचर का बेस्ट यूज निकालता है, नेचर का एक यूज है या फिर कोई चीज है जिसका यूज नहीं है, ठीक है, वो सिंपली एक झाड़ है। लेकिन अगर आप उसका मेडिसिनल यूज निकाल लिए, मेडिसिनल यूज कैसे निकालिएगा, आपके पास नॉलेज होगी तब ना, तो उस नॉलेज यानी स्किल, नॉलेज और स्किल का यूज करके जो ह्यूमन होते हैं नेचर का बेस्ट यूज निकालते हैं और रिसोर्स को बनाते हैं, इसलिए ह्यूमन को हम लोग रिसोर्स कंसिडर करते हैं। ह्यूमन कैन बी यूज द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, सो दे आर कंसिडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, सो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज में नॉलेज और स्किल की बात आती है, ये दोनों चीज बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। ये अगर बिल्डअप होगा तभी फिर आपका एक ह्यूमन रिसोर्स बिल्डअप होगा, और ये दोनों चीज ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो इसके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी को तो डेवलप करना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा स्किल और नॉलेज, चलिए उसको डेवलप करते हैं। इसका डेफिनेशन हो सकता है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्किल्स ऑफ ह्यूमन सो दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज आर नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कहा जाता है कि अगर आप ह्यूमन के पीपल के सोचने की और स्किल यानी कला को इम्प्रूव करो और उसको बढ़ावा दो,
तो क्या होगा, और बढ़ावा देंगे तो वो और रिसोर्स इन्वर्ट करेंगे, और रिसोर्स इन्वेंट करेंगे तो ये क्या हुआ, हमारे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आया। और जितना रिसोर्स इन्वेंट होगा उतना ज्यादा इसका डेवलपमेंट होगा, किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज सो दे आर नॉलेज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आज छोटा ही टॉपिक कंप्लीट हो पाया, आई नो दैट। कंजर्वेशन अगले वीडियो में देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, वो टू पार्ट या एक ही पार्ट में देखते हैं, वो अकॉर्डिंग आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।